गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेंस, आज मैं क्लास फोर के स्टूडेंट को हिंदी पाठ्य पुस्तक से चैप्टर टू दो बैलों की कथा पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, यह कथा दो बैलों की कथा है जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो इस कथा को समझने से पहले आप लोगों को इस कथा को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। यह दो बैलों की कहानी है। दोनों में बहुत प्यार था, किसी कारणवश उन्हें अपने मालिक से दूर होना पड़ा। बहुत सी परेशानियां झेलते हुए वे कैसे अपने पुराने मालिक के पास वापस आते हैं और कैसे अपनी सूझबूझ से प्रत्येक समस्या का समाधान निकालते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ में प्रेमचंद जी द्वारा लिखित हीरा और मोती नामक दो बैलों की कहानी दी गई है। झूरी नाम के एक किसान के पास हीरा और मोती दो बैल थे जिनको वह बहुत प्यार करता था। उनके चारे पानी का ध्यान रखता था और उन्हें कभी भी मारता पीटता नहीं था, अतः वे दोनों भी उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई उन दोनों को लेकर अपने घर गया और उन दोनों बैलों को प्रताड़ित किया, यानी परेशानी किया। इस बात से खिन्न होकर वे रात में भाग गए और सुबह होते ही अपने मालिक के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर झूरी बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। लेकिन दूसरे दिन गया प्रसाद फिर से वहाँ जा पहुँचा और उन दोनों को गाड़ी में जोतकर ले गया। वह उन दोनों से बहुत सख्त काम लेता और बदले में रूखा सूखा भोजन खिलाता और मारता पीटता भी था। गया की लड़की उन दोनों की दुर्दशा यानी हालत देखकर दयावश चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। एक दिन लड़की ने दोनों के बंधन चुपके से खोल दिए और दोनों बैल वहाँ से भाग गए। रास्ते में उनका सामना एक सांड से हुआ। उन्होंने उसे मारकर भगा दिया और मटर के खेत में घुसकर मटर खाने लगे। तभी खेत के रखवालों ने उन्हें पकड़कर काजी हाउस में बंद करवा दिया, जहां पर उनके साथ अन्य कई जानवर भी बंद थे। रात में उन दोनों ने काजी हाउस की दीवार तोड़कर सभी जानवरों को वहां से भगा दिया। सुबह होने पर काजी हाउस के आदमियों ने उनकी करतूत से खिन्न होकर उन्हें नीलामी में एक व्यापारी के हाथ बेच दिया। वे दोनों मार खाते खाते, भूख सहते सहते बहुत कमज़ोर हो गए थे और चुपचाप व्यापारी के साथ चले जा रहे थे। तभी रास्ता जाना पहचाना सा लगने पर वे व्यापारी के हाथ से बंधन छुड़ाकर भाग खड़े हुए और अपने घर पहुंच गए। उन्हें देखकर झूरी और उसकी पत्नी ने दोनों बैलों के माथे चूम लिए।